कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। जलन एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को ही जला कर रख देती है। पापा, शादी की बात तो आप मेरे ससुराल एक बार भी नहीं आए, जब भी आती हूँ मैं ही आती हूँ। अरे बेटा, तेरे पापा से कहाँ अब चला फिरा जाता है। तेरी छोटी बहन की शादी भी करनी है, लड़का देखना, पता नहीं सब कैसे होगा। तभी मुक्ता का पति आ जाता है, ईमानदारी से पैसे कमाने वाला मुक्ता का पति, जिसका रंग थोड़ा दबा होता है। कैसी बात करती है माँ जी, दामाद भी तो बेटा ही होता है, मैं देख लूंगा पप्पी के लिए लड़का। हाँ बड़ा देख लोगे, खुद की कमाई इतनी तो है नहीं कि स्कूटर दो जगह एक्स्ट्रा घुमा लो, तब तो पेट्रोल का रोना लेकर बैठ जाती हो। बड़ा लड़का देखोगे। मुक्ता के पति को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसका मुंह बन जाता है। तभी मुक्ता की छोटी बहन पप्पी वहां आती है। क्या बात है दीदी, क्यों जीजा जी को परेशान कर रही हो, और वैसे भी आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़का पसंद है। पापा, हम लोगों की ही बिरादरी का है राकेश। देख बेटा, अगर जात बिरादरी का पढ़ा लिखा कमाने वाला लड़का है तो हमें क्यों परेशानी होगी। हाँ पापा, बिजनेस है अपना और शहर में एक पेट्रोल पंप भी है। तब तो सही है, मेरे स्कूटर में हमेशा टैंक फुल। मुक्ता को तो मानो पप्पी के रिश्ते से ऐसी आग लगती है कि वो खड़ी हो जाती है। ऐसे कैसे पापा, लव मैरिज ना जी ना, हम लोगों के घर में ये रिवाज नहीं है। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। अरे मुक्ता, क्या हो गया? पप्पी को भी इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो रोते हुए अंदर चली जाती है। अरे घर में लव मैरिज हो सकती है, ये पहले बता देते तो मैं भी कर लेती ना। क्या मतलब, कहीं चक्कर वक्कर था क्या तुम्हारा? मुक्ता खुद के कहे जाल में फंसने वाली होती है कि मुक्ता, दामाद जी के लिए खाना ले आओ, दूर जाना है आप लोगों को, रात हो रही है। मुक्ता अपने घर चली जाती है। पप्पी पिता को समझाने में कामयाब हो जाती है और फिर हो जाती है पप्पी की शादी राकेश के साथ। देख रहे हो, ये बंगला पप्पी का है। अरे पैसे वाले घर की बहू है तुम्हारी बहन। तो हम कौन से कम है, क्या हम अच्छा नहीं खा रहे या अच्छा नहीं पहन रहे, सब तो कर रहे हैं हम भी। अरे तुम तुलना क्यों कर रही हो, चलो अब अंदर चलते हैं। पप्पी के जन्मदिन में मुक्ता उससे मिलने शादी के बाद पहली बार उसके ससुराल जाती है। पप्पी की सास कहती है, अरे पप्पी तुम्हारी बहन आई है, जरा मंगवाओ कुछ खाने पीने को। बस फिर क्या था, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स, फल और न जाने क्या क्या सब कुछ मुक्ता के सामने लग जाता है। अरे अरे, मैं तो बस पप्पी से मिलने आई थी। खा पीकर मुक्ता और उसका पति निकल रहे होते हैं कि पप्पी की सास मुक्ता को कपड़े, उसके पति को कपड़े और लिफाफे में पैसे भी डाल कर देती है। अरे अरे माता जी, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज रहने दीजिए। लेकिन सास मुक्ता और उसके पति को विदाई देकर भेजती है। दीदी फिर आना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब का ना तुम आना, शिवी का जन्मदिन है ना। दिन बीत रहे थे, पप्पी की सोशल मीडिया में आए दिन महंगे कपड़ों और पार्टी की फोटो मुक्ता को परेशान कर रही थी। सुनिए जी, मुझे साड़ी लेनी है, कुछ पैसे दीजिए। अरे पैसे कहाँ है मेरे पास, और साड़ी क्यों, अभी तो कोई त्यौहार भी नहीं है। अरे वो डिजाइनर साड़ी है, कोई मौके के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए पहनी जाती है, पता है 20,000 की साड़ी है वो। और मेरी तनख्वाह है 30,000। मुक्ता का पति उसे बहुत समझाता है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारे। क्या करूं, मोहल्ले में पार्टी है, पप्पी से उसकी साड़ी मांग लेती हूँ, किसी को क्या पता लगने वाला है। मुक्ता पप्पी से साड़ी मांगती है। दीदी ठीक है, वो साड़ी मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि वो राकेश की भी ना फेवरेट साड़ी है, वही लाए थे मेरे लिए। अरे तुम चिंता मत करो। मुक्ता पप्पी की महंगी डिजाइनर साड़ी पहनकर मोहल्ला पार्टी में जाती है। अरे वाह मुक्ता, बड़ी ही चमकीली और अलग साड़ी है ये, कितने की है, कहाँ से ली? ज्यादा नहीं, बस 30,000 की है। मिडिल क्लास वालों के मोहल्ले में 30,000 की साड़ी सुनते ही सबकी आंखें खुली रह जाती है। होगी भी, लग भी रही है, लेकिन इतनी महंगी साड़ी तुझे ऐसे हवन कीर्तन वाले फंक्शन में नहीं पहनी चाहिए थी मुक्ता। लेकिन मुक्ता को क्या, वो तो अपनी अकड़ में हवन कुंड के पास जाकर खड़ी हो जाती है और एक चिंगारी उसके कपड़े पर लग जाती है। हाय रे मुक्ता, तेरी साड़ी तो जल रही है। हाँ, हाय रे, ये क्या हो गया?
भैया ये तो मेरी बहन की साड़ी है। जल्दी से साड़ी को संभाल कर वो घर चली जाती है, लेकिन पीछे से पड़ोसन है, मुझे तो पहले ही पता था। अरे इसकी बहन की शादी बड़े ऊंचे घर में हुई है ना, इसका पति तो इतना कमाता भी नहीं कि 30,000 की साड़ी ले। अब क्या करेगी बेचारी। वही घर पर, हाय रे ये क्या हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ दिया बाहर आना। तभी पप्पी का फोन आता है। दीदी कैसा रहा फंक्शन, पिक्चर तो शेयर करना। वो क्या ना, पिक्चर लिए ही नहीं, वक्त ही नहीं मिला, अभी घर पहुंची हूँ, थोड़ा रेस्ट करके बात करती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे कल ना मैं किसी ड्राइवर को भेजकर साड़ी मंगवा लूंगी आपके घर से। हाँ वो ठीक है, लेकिन कल नहीं अभी उसे ड्राई क्लीन में दे रही हूँ ना मैं। अरे नहीं नहीं दीदी, अपने घर के पास वाले को ना देना, रहने तो ना, कोई बात नहीं। मुक्ता कहाँ मानने वाली थी, वो ड्राई क्लीनर के नाम पर 2-4 दिनों के लिए साड़ी का बहाना बना लेती है, लेकिन मन में उथल पुथल चल रही होती है कि करे तो क्या करे। फिर क्या हो गया, रात बहुत हो रही है, सो जाओ, और ये मेरी चेकबुक अलमारी में रख दो। मुक्ता चेकबुक देखती है, चेकबुक का सीरियल नंबर देखती है और सोचती है क्यों ना चेकबुक के बीच से कोई पेज फाड़ ले और पैसे निकाल कर साड़ी ले ले, पति को तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगले दिन चेकबुक के बीच का पन्ना फाड़ कर वो चेक देकर साड़ी ले लेती है और पप्पी को दे आती है। अरे दीदी ये तो बड़ा अच्छा ड्राई क्लीनर है, साड़ी तो बिल्कुल नई कर दी। मुक्ता कुछ नहीं कहती और पप्पी और उसके पति को घर आने का न्योता दे आती है। देखिए जी, पप्पी और उसका पति पहली बार हम लोगों के घर आएगा, आप प्लीज ना नया सोफा ऑर्डर कर दे। अरे कैसी बात कर रही हो, नया सोफा ना बाबा ना। अरे याद है उसके घर का सोफा कितना गुदगुदा था, लाखों का था, कहाँ से लाऊंगा मैं। वैसे भी देखो ये बराबरी करना ना अच्छी बात नहीं है, समझी, जितनी चादर हो। अरे बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना, जितनी चादर हो। पैसे देने हैं तो दो वरना मत दो, लेकिन चुप रहो। अगले दिन मुक्ता पड़ोसी का सोफा लगा देती है, पड़ोसन की सोफे और उसी की क्रॉकरी में खाना भी। पति देख रहा होता है कि कैसे ही अपनी सगी बहन को मुक्ता मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। क्यों पपी, ये गले में जो पहना है असली है क्या? दीदी इनके घर ना नकली कुछ नहीं पहनते, असली है दीदी। हाँ मेरे पास भी ना शादी का इतना गहना रखा है, क्या बताऊं, पर घर पर कौन पहनता है। हाँ दीदी मैं भी कहीं आती जाती हूँ तभी पहनती हूँ। तभी मुक्ता का बेटा जो कि काफी शरारती था सोफे पर खेलते खेलते स्केच पेन चला देता है, वहीं अंदर से क्रॉकरी के टूटने की आवाज भी आती है। हे जी देखिए तो शिवम को क्या कर रहा है वो, वैसे भी आप जानते ना सोफा कहाँ से आया है। पप्पी का पति पप्पी को देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अरे क्रॉकरी भी गई, वैसे कोई बात नहीं, कोई खास महंगी नहीं थी, बस यही कुछ 40,000 की होगी, कोई बात नहीं। लेकिन मन ही मन मुक्ता परेशान हो जाती है कि वो क्या करे, लेकिन क्योंकि बहन के आगे खुद को नीचा नहीं दिखा सकती थी सो। खाना वाना खाकर पप्पी निकल रही होती है कि मुक्ता भी दिखावे में आकर दोनों को कपड़े पैसे और न जाने क्या क्या उपहार में देती है। अरे दीदी नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी इतना सारा। पति भी देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर मुक्ता के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो बहन को इतनी सारी गिफ्ट दे रही है। लेकिन फिर दिखावे के मारे मुक्ता बहन को ढेर सारा उपहार देकर भेजती है सबके जाने के बाद। हाय रे मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, ये बच्चा है ये शैतान का काला, सारा सोफा बर्बाद कर दिया, क्रॉकरी कैसे टूटी। हाय रे कैसे होगा। लेकिन मुक्ता को फिर याद आ जाता है कि उसके पास तो पति की चेकबुक हो, वो फिर वही करती है, बीच से पन्ना निकाल कर नया सामान लाकर पड़ोसन को दे देती है, पति को पता भी नहीं चलता और मुक्ता का काम हो जाता है। फिर एक रोज, मुक्ता गजब हो गया, जल्दी से सामान पैक करो, अभी इसी वक्त गांव जाना है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ के लिए, जल्दी करो। अरे क्या हो गया आपके पापा को? हाँ हाँ मैं तैयारी कर रही हूँ। वो चेकबुक रखी है ना वो ले लेना, पापा के इलाज के लिए मैंने 2,00,000 जमा किए हैं, वक्त पर काम आ जाए और क्या चाहिए। अब मुक्ता के पसीने छूट जाते हैं,
वो लोग अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहाँ पैसों की कमी के कारण पिता का इलाज सरकारी अस्पताल में करवाना पड़ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है? मेरी चेकबुक भी मेरे पास ही थी। ये बोलकर जैसे ही वो चेकबुक देखता है तो बीच के पन्ने फटे होते हैं। मुक्ता, चेकबुक तुम्हारे पास थी, सच सच बताओ पैसे कहाँ है, बोलो। मुक्ता रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, छोटे दिखावे के लिए मैंने ये किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जलन के कारण और ये बराबरी करने के नाटक के कारण मेरे पिता को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। मुक्ता रोती रहती है, तभी पप्पी आ जाती है। दीदी, जीजा जी के पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए, और इलाज में किसी भी तरह की कमी हो तो बताइएगा। मुक्ता देखती है कि जिस बहन से वो जलन महसूस करती थी वो कैसे उसकी मदद कर रही है। वो शर्मिंदा होती है और आगे से बहन से मिलकर उसकी खुशी में खुशी मान कर रहती है।